स्वच्छ भारत मिशन के कुछ कर्मी मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे। अपनी मांग बताते हुए सफाई कर्मी ने कहा कि हमारी बहाली कॉन्ट्रैक्ट पर हुआ था, हम लोग 8-10 साल से काम कर रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन का फेज 1 समाप्त हो चुका है, फेज 2 में नया बहाली शुरू हो गया है। इसके वजह से हम लोग बेरोजगार हो गए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री से ये लोग मिले और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता से जब जीएन भारत ने बात किया तो उन्होंने कहा कि किसी को बेरोजगार नहीं होने देंगे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय आश्वस्त किए हैं कि ये जो कर्मचारी हैं इन लोगों का समायोजन के बाद थी, केंद्र सरकार का या योजना के तहत इन लोग एक अनुबंध पर वर्कर थे और सितंबर 2022 तक का ही इन लोग का कार्य दिया गया था, जिसे 2024 तक इन लोगों को समायोजित करने की बात थी। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय बोले हैं कि ठीक है, हम लोग इसको देखते हैं, बेरोजगार नहीं होने रहने देंगे इन लोग को, इन लोग को समायोजन करेंगे। इस तरह सबका इच्छा तो पूरा कर ही रहे हैं, उनका क्यों नहीं पूरा कर रहे? बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद तो पूरा है उन पर, हम लोग को पूरा तहे दिल से उन पर विश्वास है, विशेषकर झारखंडी होने के नाते कि वो झारखंडियों के हित में सदैव सोचे हैं और झारखंडियों के हित में ही अपना जीवन समर्पित किए हुए हैं। इसलिए हम लोग को पूरा उम्मीद है कि इन झारखंडियों को भी इंसाफ मिलेगा उनके द्वारा। जी जी, हम लोग SBM कर्मी हैं, झारखंड में स्वच्छ भारत मिशन के तहत हम लोग का बहाली कॉन्ट्रैक्ट पर हुआ है और हम लोग 8-10 साल से काम कर रहे हैं। SBM फेज 1 समाप्त हुआ है और फेज 2 में नया बहाली किया जा रहा है, लेकिन हम लोग अब बेरोजगार हो गए हैं तो कहाँ जाएंगे? हम लोग का उम्र भी ख़त्म हो जा रहा है, हम लोग का बाल बच्चा है, रोजी रोटी है, इसी से हम लोग का घर परिवार चलता है। हम लोग को मांग है मुख्यमंत्री महोदय से कि हम लोग का समायोजन किया जाए और फेज 2 में जो काम हो रहा है उसमें काम करने का मौका दिया जाए, हम लोग को बेरोजगार न किया जाए। मुख्यमंत्री जी वही बोले कि किसी को झारखंडी को बेरोजगार नहीं होने दिया जाएगा, इसी से हम लोग मुख्यमंत्री जी से अभी विश्वास करेंगे कि सबका काम कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी हम लोग का काम क्यों नहीं करेंगे। हम लोग करीब 11 बजे से खड़े हैं मिल, वही हम लोग का नेताजी था विश्वकर्मा जी हजारीबाग के, उन्हीं के प्रयास से हम लोग आज पूरा झारखंड पेयजल विभाग के BC और SM जुटे थे कि आज आइए, सोमवार को सभी को हम लोग मुख्यमंत्री जी से वार्ता कराएंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।